हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैरी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एक विशेष लक्षण के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारी महिलाओं को उनकी पीरियड्स की डेट से पहले फील होता है और ये काफ़ी मिलता जुलता है प्रेगनेंसी सिम्टम्स से। लेकिन इन सिम्टम्स के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है और कंसीव करने में महिलाओं को समस्या होती है, इसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जनरली इस ऐसी कंडीशन में एक महिला को क्या होता है, उनको शुगर की क्रेविंग होती है। जैसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाने का मन करता है, कई लोगों को चाय या कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है, कई लोगों को इसी तरह की पर्टिकुलर शुगरी या कैफिनेटेड चीज़ों को खाने का, फास्ट फूड खाने का मन बहुत ज़्यादा होता है, क्रेविंग होती है। इसके अलावा आप डिप्रेस बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं, बहुत ज़्यादा आपको उदासी महसूस होती है, जैसे मूड ऑफ रहता है आपका मैक्सिमम टाइम उस तरीके का। इस समय आपको डेट से पहले, हफ्ते भर 10 दिन पहले से आपको ये चीज़ें होना चालू हो जाती हैं। आपको काफ़ी कमज़ोरी फील होती है, आपको रात को नींद नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, मूड स्विंग की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में भी होती है। ब्रेस्ट में जो सेंसिटिवनेस, जो टेंडरनेस है, वो प्रेगनेंसी के भी अर्ली सिम्टम्स में होते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है और केवल ये सिम्टम पीरियड की डेट से पहले हर महीने आपको परेशान करते हैं, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। अब एक बार हम इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हम महिलाओं के शरीर में PMS की प्रॉब्लम क्यों होती है। क्योंकि अगर हम जानेंगे कि इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, तो उसका बहुत आसान समाधान भी हम करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड से थोड़े टाइम पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में शिफ्टिंग होती है। इस शिफ्टिंग की वजह से जो सेरोटोनिन होता है, जो गुड फील गुड वाला हार्मोन होता है, हमारे ब्रेन में बनता है, उसके लेवल में फ्लक्चुएशन आ जाता है। और उस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे मूड पे ऐसा प्रभाव पड़ता है, हम बहुत लो फील करने लग जाते हैं। तो अब बात ये होती है कि हार्मोन्स का जो बदलता लेवल है, ऐसे कंडीशन में हम अपने आप को ठीक कैसे रखें ताकि हमें PMS की प्रॉब्लम ना हो, हम डिप्रेस्ड फील ना करें और हम बहुत अच्छे से, हमारे पीरियड्स भी डिस्टर्ब ना हो और हमें कंसीव करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। अगर आप 2-3 बातों का अपने लाइफ स्टाइल में ख्याल रखते हैं, समझ लेते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल दवा है, दवा की तरह शरीर में असर करने वाली है, तो ये चीज़ें हमेशा के लिए आपके जीवन से चली जाएगी। PMS की प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। फ्रेंड्स, टीनेज में बच्चियों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर इसको ठीक नहीं किया जाता है तो ये बहुत लंबे समय तक कैरी होती है। और फर्टिलिटी के टाइम, फर्टिलिटी एज ग्रुप में जब महिलाएं कंसीव करना चाहती है तो वो कंसीव नहीं कर पाती, समस्या आती है। तो आइए देखते हैं कि इसका आसान सोल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, सोल्यूशन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, केवल 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। नंबर 1, कि हमको अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। फिजिकली एक्टिव रखेंगे तो हमारा बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा और हमारे बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। साथ ही जो हार्मोन फ्लक्चुएट हो रहे हैं वो भी जल्दी ही स्टेबल होने लग जाएंगे, उसमें जो फ्लक्चुएशन का रेंज है बहुत कम रहेगा और बहुत जल्दी वो सेट हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी डाइट में 2-3 चीज़ें प्रायोरिटी से रखनी है उस समय। अगर बाकी टाइम आप नहीं रखते हैं तो इस समय कम से कम आप हफ्ते 10 दिन, जब डेट से पहले का समय होता है, उस समय ये काम आप ज़रूर करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका विटामिन डी का लेवल क्या है। तो ये ब्लड टेस्ट से पता चलता है, अगर कोई कम है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो विटामिन डी रिच फूड खाना है, इस पर मेरा वीडियो है, सन बाथ ज़रूर लेना है सुबह सुबह या शाम को 15 मिनट। साथ ही ओमेगा 3 के सोर्सेज हमको अच्छे से खाने। ओमेगा 3 किन किन में होता है? अखरोट में होता है, फ्लैक्सीड में होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो फिश ले सकते हैं। लेकिन फिश, ये इम्प्लांटेशन का भी समय होता है, तो आप फिश अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा। आप अखरोट ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं और थोड़ा फ्लैक्सीड भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच। इस समय में आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि या तो मिल्क आप ले लीजिए या फिर आप कर्ड ले लीजिए, पनीर ले लीजिए। तो ये चीज़ें आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको करेक्ट रखने में आपके शरीर को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा आपको शुगर क्रेविंग हो रही है, पर्टिकुलर चाय कॉफ़ी की क्रेविंग चल रही है, तो हमको उस क्रेविंग को दबाना है, बहुत कम लेना है, 1-2 बार ये नहीं ले तो ही बेहतर है। और उनकी जगह आपको होल ग्रेन खाने, अगर आप ब्रेड ले रहे हैं होल ग्रेन ब्रेड लीजिए। आपको साबुत अनाज लेना है, जैसे कि आप दलिया खाइए,
ओट्स खाइए, क्विनोवा ले सकते हैं आप खाने में। सीजन में और उस समय के उपलब्धता के मुताबिक जितनी वैरायटी की हरी पत्तेदार सब्जियां आपको मिल रही हैं उन सबको आप खाने में शामिल कीजिए। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स को उस समय आपको अपने खाने में रखना है ताकि आपकी बॉडी को हेल्प मिल सके हॉर्मोन्स को करेक्ट करने में और PMS की प्रॉब्लम को दूर करने में। और अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड से पहले बिल्कुल भी इस तरह की ट्रबल नहीं होगी। और ये रूटीन, खान पान का ये ध्यान आप हमेशा रखते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ ही कंसीव कर लेंगे। फ्रेंड्स, यूट्यूब सहेली चैनल पे डाइट से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो भी टिप्स मैं बताती हूँ उनको सही तरीके से फॉलो करके आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप वीडियो देखें जो कि ये चैनल पे अवेलेबल है, उसको फॉलो करके सहेलियाँ बहुत जल्दी कंसीव कर ले रही हैं जो कि बहुत समय से कॉम्प्लिकेशंस में थी और उनको दवाइयों से सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, आप भी इन नेचुरल होम रेमेडीज़ को, लाइफ स्टाइल की छोटी छोटी अच्छी बातों को अपना कर कंसीव कर सकती हैं और अपने स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।